हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का ये जो सेशन है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। पूरा का पूरा जो पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, वो हम रिवाइज करने वाले हैं बहुत ही कम टाइम में। तो देखो, चलो। तो पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, तो इंडिया का तो मतलब तुम्हें पता है, हमारी कंट्री जिसे हम इंडिया कहते हैं, उसमें पब्लिक फाइनेंस कैसे चलता है। अभी पब्लिक फाइनेंस का मतलब बताओ सर, फाइनेंस माने पैसे से रिलेटेड चीजें। अभी पब्लिक माने क्या होता है? पब्लिक माने गवर्नमेंट। यहाँ पर पब्लिक माने क्या यूज हुआ है? गवर्नमेंट। अभी फाइनेंस माने क्या होता है बताए? फाइनेंस माने मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंसेस। अब पैसे को कैसे मैनेज करते हैं, उसे क्या कहते हैं फाइनेंस। तो देखो, फटाफट फटाफट देखते हैं। तो पब्लिक फाइनेंस इज वन ऑफ द ओल्ड ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक विच हाईलाइट्स द रोल एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमी। गवर्नमेंट कोई भी इकोनॉमी में, कोई भी कंट्री में गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, वो एक पब्लिक फाइनेंस जो है वो हाईलाइट करता है। गवर्नमेंट इज अ फॉर्म। गवर्नमेंट क्या होता है सर? अभी हमें बहुत बार एक डाउट आता है कि सर गवर्नमेंट है कौन। तो गवर्नमेंट क्या एक फॉर्मल या इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन है क्रिएटेड बाय द पीपल इन अ स्पेसिफिक रीजन टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन सच एज प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, प्रोविजन ऑफ सोशल नीड्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट क्या होता है? हमारे जैसे लोग जो क्या करते हैं, हमारे जैसे कोई एक हमारे में से ही कोई एक नेता सिलेक्ट करते हैं और उसे क्या बनाते हैं, उसे वैसे और लोगों को सिलेक्ट करके हर एक रीजन से हम क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, जिनका कुछ काम होता है। वो काम क्या होता है? वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो गवर्नमेंट के फंक्शन होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ऑब्लिगेटरी फंक्शन और एक होता है ऑप्शनल फंक्शन। ये काम है ना जो गवर्नमेंट को कंपलसरी करना है, और ये काम है जो गवर्नमेंट के लिए ऑप्शनल है। लेकिन आजकल ये गवर्नमेंट, आजकल जितनी भी गवर्नमेंट है, वो ये काम भी क्या लेती है, एज अ कंपल्शन लेती है। तो ऑब्लिगेटरी फंक्शन में क्या आता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स, जैसे कि ये वॉर वगैरह सिचुएशन होता है, तभी वहाँ के, तभी वैसे सिचुएशंस में क्या करना है, वहाँ के लोगों को वो प्रोटेक्शन देना है। फिर मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, जैसे कि अभी कोई मूवी रिलीज होने पे बहुत सारे अभी डिस्प्यूट होने लगे हैं, कुछ छोटी मोटी बात पे कुछ ना तो कुछ इशू हो जाते हैं, राइट्स हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ों में कोई लॉ एंड ऑर्डर, कोई कोई भी कम्युनिटी या कोई भी प्रकार के लोग कोई लॉ एंड ऑर्डर ना तोड़े, उसका उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस पे है, गवर्नमेंट पे होती है। ये किस में आते हैं? गवर्नमेंट के ऑब्लिगेटरी फंक्शंस, ये तो गवर्नमेंट को करना ही है सर। इसके अलावा एक होते हैं ऑप्शनल फंक्शन, जिसमें क्या आता है, हेल्थ सर्विसेज है। जो कंट्री में जितने भी लोग हैं वो हेल्दी रहे, अच्छे स्वास्थ्य रहे सबकी, फिर सोशल सिक्योरिटी जैसे कि पेंशन मिलता रहे लोगों को, और बाकी सारे मेजर्स है, ये किस में है, ऑप्शनल फंक्शंस में है गवर्नमेंट के। ठीक है, अभी ये कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ टू वर्ड्स, पब्लिक और फाइनेंस। पब्लिक माने क्या होता है? कलेक्टिव फॉर द इंडिविजुअल्स लिविंग विद इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी। इकोनॉमिक्स इज यूज्ड टू सिग्निफाई द गवर्नमेंट विच रिप्रेजेंट्स द पब्लिक। फाइनेंस सिंपली मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फाइनेंस माने क्या होता है? इनकम और एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? गवर्नमेंट का पूरे पब्लिक का, यानी कि गवर्नमेंट का पूरा फाइनेंस और एक्सपेंडिचर। समझा तुमको? चलो, डेफिनेशन दिया है पब्लिक फाइनेंस का, तो जो अच्छा लगे वो लिख लेना। अभी हम पढ़ रहे हैं पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस के बीच में डिस्टिंगशन बिटवीन। ऑब्जेक्टिव, पब्लिक फाइनेंस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? ऑफर सोशल एडवांटेज, क्या है, लोगों की भलाई के लिए किए जाते सारे इनकम और एक्सपेंडिचर। और जो प्राइवेट होते हैं, जैसे कि हमारे जैसे लोग, वो क्या करते हैं, प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए करते हैं एक्सपेंडिचर। तो अपने अपना कैसा फंडा होता है कि अपन सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी इनकम का कंसिडर कर करके खर्चा करते हैं कि भाई मेरी 15,000 की सैलरी है, 20,000 की सैलरी है, 1 लाख रुपए की सैलरी है, वो हिसाब से इंसान खर्चा करता है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, सबसे पहले क्या करती है, अपना खर्चे का एक्सपेंडिचर का लिस्ट निकालती है, और उसके हिसाब से वो खर्चे कैसे पूरे होंगे, उसका इनकम का भी एक लिस्ट निकालती है कि इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे। अभी क्या होता है, कभी कभी जो गवर्नमेंट का खर्चा है वो ऐसा है, समझो कि 500 करोड़ है, बट गवर्नमेंट को लगता है कि हम पूरे साल में हमको इनकम जो है वो 200 करोड़ ही होने वाला है, तो वो क्या करते हैं, 300 करोड़ रुपए क्या ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, उसे डेट भी कहा जाता है। एन इंडिविजुअल कंसिडर इज इनकम एंड देन डिटरमाइंस द वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंडिचर। यहाँ पे क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ क्रेडिट होता है, यहाँ पे क्रेडिट ऑफ प्राइवेट इज लिमिटेड, यानी कि जो इनको उधार मिलने की जो चांसेस है वो ज्यादा होते हैं, प्राइवेट को कोई देगा नहीं क्योंकि अपने जैसे लोग कभी भी देश छोड़ के भाग जाते हैं। फिर राइट टू प्रिंट करेंसी, गवर्नमेंट के पास प्रिंट करेंसी नोट्स या जो करेंसी होती है उसको प्रिंट करने का पावर होता है, इन लोग के पास नहीं होता। पब्लिक फाइनेंस मोर इलास्टिक है, ज़्यादा से ज़्यादा इलास्टिक यानी कि चेंज होता रहता है, और अपने जो प्राइवेट फाइनेंस है उसमें कोई चेंज का ज़्यादा स्कोप होता नहीं है, क्योंकि अपना इनकम जो है वो लिमिटेड होता है। जो पब्लिक फाइनेंस है उसका इम्पैक्ट कैसा होता है, ट्रिमेंडस होता है, और प्राइवेट फाइनेंस का मार्जिनल होता है। ठीक है, अभी ये जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये जो पूरा चैप्टर है वो एक इतने से चार्ट में सिमट के रह गया है। तो पब्लिक फाइनेंस में, पब्लिक फाइनेंस का जो चैप्टर है उसमें कितने टॉपिक है वो देखो। सबसे पहला जब 5 टॉपिक है टोटल, उसमें से पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक के एक्सपेंडिचर यानी कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कैसे कैसे होते हैं, रेवेन्यू, कैपिटल, डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल। ठीक है, और पब्लिक का रेवेन्यू कैसे आता है, टैक्स से आता है, नॉन टैक्स आता है, फिर एक टैक्स से आता है, एक नॉन टैक्स से। टैक्स में भी दो चीज़ें, डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स।
डायरेक्ट टैक्स माने इनकम टैक्स वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर आता है, और इनडायरेक्ट टैक्स माने जो जीएसटी जो नया आया है वो इधर आता है। डायरेक्ट टैक्स के 3 पार्ट होते हैं, प्रोग्रेसिव, रिग्रेस, प्रोपोर्शनेट, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव, ठीक है। और एक नॉन टैक्स होता है, नॉन टैक्स माने टैक्स के अलावा, तो फीज होती है, प्राइजेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे आप ट्रेन वगैरह में ट्रैवल करते हो, मेट्रो में ट्रैवल करते हो, वो सारी चीज़ें। फिर स्पेशल असेसमेंट होता है, फाइंस पेनल्टीज, जो आप कभी कभी सिग्नल तोड़ देते हो उसके लिए आपको चालान वालान कटते हैं, वो सारी चीज़ें इधर आएंगी। फिर गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशन, जैसे कि अभी कोविड का जो सिचुएशन हुआ, कोरोना का सिचुएशन हुआ, उसमें लोगों ने बहुत 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 सारे डोनेशन दिए गवर्नमेंट को, पीएम केयर फंड, सीएम केयर फंड, तो वो इसमें आ जाएंगे। फिर स्पेशल अभी और एक होता है बोरोइंग, जो गवर्नमेंट क्या करती है, पैसे उधार मांगती है, वो इधर आ जाएगा, समझा तुमको। पब्लिक डेट, अभी गवर्नमेंट जो क्या करती है, उधार मांगती है। डेट 2 तरीके के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्री के अंदर से ही क्या करती है, डेट मांगती है, उसे कहा जाता है इंटरनल, और उसके बाहर से मांगती है उसे कहते हैं एक्सटर्नल। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, वो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर माने क्या होता है, दैट एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड बाई द पब्लिक अथॉरिटी, यानी कि सेंट्रल या स्टेट या लोकल बॉडीज, ठीक है, जो उसके जितने भी उसके फंक्शंस है गवर्नमेंट के वो पूरे करने के लिए उनको जो खर्चे लगते हैं उसमें आ जाएंगे। पब्लिक एक्सपेंडिचर का 4 पार्ट है, रेवेन्यू, कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने डे टू डे फंक्शन से रिलेटेड होते हैं टू द गवर्नमेंट। एग्जांपल क्या होते हैं, एडमिन ऑफिस, जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं उनके जो लोग होते हैं, इनकम टैक्स ऑफिस है, जीएसटी ऑफिस है, उनके जो काम करने वाले लोग होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनमें जो प्रोफेसर हैं उनको सैलरी वगैरह देना पड़ता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो सब इसमें आ जाएंगे। और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर माने कुछ डेवलप करने के लिए एक्सपेंडिचर किया जाए उसे क्या कहेंगे, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे कि हेल्थ पे किया, एजुकेशन पे किया, इंडस्ट्रियल पे किया, जो क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्राइस स्टेबिलिटी लाएगा वगैरह चीज़ें। नॉन डेवलपमेंट माने वैसे खर्चे कोई जो डेवलपमेंट नहीं करते, यानी कि जिससे कोई डायरेक्ट प्रोडक्टिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, जैसे कि वॉर एक्सपेंडिचर, किधर वॉर वॉर हो गया है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, वैसी सारी चीज़ें कोई नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, ठीक है। रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ने का रीज़न क्या है, इंक्रीज ऑफ एक्टिविटीज़ इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज़ है वो बढ़ गई है, ठीक है। फिर रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, यानी कि रोड, एनर्जी, स्कूल्स, पब्लिक कॉलेजेस, ये सब नए नए खुल रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो अर्बनाइजेशन है वो बढ़ता जा रहा है, इसके लिए क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के खर्चे भी बढ़ रहे हैं। फिर इंक्रीजिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर, आजकल ये वॉर जैसे सिचुएशन, बात बात पे एक दूसरे का, एक कंट्री दूसरी कंट्री को धमकाने लगती है, फिर इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, तो उसके हिसाब से अनस्टेबल हो गया एनवायरमेंट और हॉस्टाइल हो गया, ठीक है, उसके वजह से वो वॉर, अभी अपने को डिफेंस पे भी बहुत खर्चा करना पड़ता है। फिर स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सपेंसिव हो जाता है ड्यू टू बार बार इलेक्शंस वगैरह के खर्चे आते हैं, तो उसका इलेक्शंस में सर आप मानोगे नहीं, एक इलेक्शन करवाने के लिए बहुत सारे खर्चे लगते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा खर्चे लगते हैं, क्योंकि जितने भी पोलिंग बूथ्स हैं उनको रेंट पे लेने पड़ते हैं, फिर पोलिंग का, फिर एडमिन कॉस्ट, ये वो, तो बहुत सारे खर्चे लगते हैं। फिर इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, तो गवर्नमेंट को क्या है, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे खर्चे लगते हैं, वही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए खर्चे लगते हैं, जैसे कि आप लोग जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको आपको 200-300 रुपये में पूरा साल पढ़ाया जाता है, तो क्या सर आपका खर्चा पूरे साल पढ़ाने का 200-300 रुपया ही है क्या, नहीं सर आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाकी के पैसे जो गवर्नमेंट देती है तो वो सारे कॉस्ट इधर आ जाएंगे। फिर आप जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हो बहुत ईजी या बहुत कम प्राइस में आपको मेडिसिन वगैरह मिलती है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है, तो वही सबसे गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा है, बहुत सारे एफर्ट्स लेने पड़ते हैं फॉर इंप्लीमेंटिंग वेरियस स्कीम्स वगैरह चीज़ें हैं, फिर तो उस हिसाब से गवर्नमेंट का क्या कर रहा है, एग्जिस्ट जो मैनेजमेंट है, जो मैनेज करने के लिए जो खर्चा है वो बढ़ता जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्थक्वेक वगैरह आते रहते हैं, फ्लड, साइक्लोन, जैसे कि आप देखोगे उत्तराखंड साइड है, आसाम साइड, ये साइड पे बहुत सारे फ्लड आते रहते हैं, तो वो सब मैनेज करने में भी गवर्नमेंट के बहुत खर्चे जा रहे हैं, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है वो किस में काम कर रही है, वेलफेयर स्टेट, यानी कि लोगों के भलाई के लिए काम कर रही है, तो हर छोटी चीज़ों पे जो गवर्नमेंट, हर जो लोगों के लिए भला हो सकती है उसके लिए वो खर्चा कर रही है, इसके लिए गवर्नमेंट का क्या हो रहा है, खर्चा बढ़ता जा रहा है। अभी जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू है वो 2 तरीके से आ सकते हैं, रेवेन्यू माने जो गवर्नमेंट को इनकम होती है, वो टैक्स से आती है, नॉन टैक्स से। अभी टैक्स में क्या होता है, 2 टाइप, या आपको जो डेफिनेशन अच्छा लगे वो लिख लेना। अभी टैक्स माने क्या होता है, कंपलसरी कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट टू एवरी सिटीजन, जो एक लीगली बाउंड टू पे द टैक्स इम्पोज्ड अपॉन हिम, ठीक है। क्या है, कंपलसरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, टैक्स कौन पे करता है, जो टैक्स पे करते हैं उसे क्या कहा जाता है, टैक्स पेयर कहा जाता है, ठीक है। वो क्यों टैक्स पे करता है, ताकि उसको कुछ बेसिक फैसिलिटी मिल सके, रोड वगैरह की, जो रोड है, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और उसका जो डायरेक्ट डायरेक्ट बेनिफिट उसको मिलता नहीं है, ठीक है, इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। और टैक्स इनकम पे या प्रॉपर्टी पे लगाया जाता है,
ठीक है, कुछ कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन है, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन है कि इक्विटी या इक्वालिटी, सब पे इक्वल टैक्स लगाना चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए और कैनॉन ऑफ कन्वीनियंस होना चाहिए. वैसे मैनर में लगाओ जो कन्वीनियंट हो टैक्स पेयर को, ठीक है. और इकोनॉमी, कैनॉन ऑफ इकोनॉमी यानी कि कलेक्शन शुड बी द मिनिमम, है ना. कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन जो है वो कम लगना चाहिए. स्पेंट ऑन द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड देन सच टैक्स पेयर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ गुड टैक्स, ठीक है. चलो, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो डायरेक्ट डायरेक्ट वो पर्सन पे लगाता है जिसने इनकम कमाई है. जैसे कि मैं हूँ, मेरी कोई सैलरी आती है तो उस पर TDS कट के आता है, तो वो इनकम टैक्स का पार्ट है क्योंकि मेरी इनकम जो मैंने कमाई उस पर डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स लगता है. इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि प्रोड्यूसर जो होलसेलर है वो प्रोड्यूसर जो है वो होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, रिटेलर कंज्यूमर को देता है. तो वहाँ पे जो है GST लगा लगा के देते हैं, तो जो बर्डन है वो शिफ्ट हो जाता है. डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट होता नहीं है, ठीक है, आर ऑन डिफरेंट हेड्स. जैसे कि जो आप फाइनल प्रोडक्ट लेते हो तो दुकानदार क्या करता है, आपके साथ आपके पास से अगर समझो 100 रुपये की चीज़ है तो आपसे वो एक्स्ट्रा 28 रुपया लेता है, यानी कि 28 रुपया GST का भी जोड़ देता है. तो वो जो उसका टैक्स का बर्डन है, GST का बर्डन है, वो आप पे शिफ्ट कर देता है, ठीक है. तीन तरीके के टैक्स होते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स और एक प्रोपोर्शनल टैक्स. यानी कि सेम सब पे एक ही कॉन्स्टेंट रेट का टैक्स लगाया जाता है, उसे कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स. प्रोग्रेसिव टैक्स माने इनकम जैसे जैसे बढ़ती है टैक्स बढ़ाया जाता है, और रिग्रेसिव टैक्स माने स्मॉलर, जैसे जैसे इनकम कम होती है वैसे वैसे टैक्स भी कम होता जाता है, ठीक है, समझा तुमको. नॉन टैक्स सोर्सेस में क्या आता है, पब्लिक रेवेन्यू. पब्लिक रेवेन्यू में क्या आता है, अदर और सारी चीजें आती है, फीस फीस वगैरह की चीजें आती है, फीस आते हैं. जैसे कि कोई एक एजुकेशन क्या हो गया, फीस, रजिस्ट्रेशन वाली सारी चीजें हैं वो आती है, ठीक है. और प्राइसेस ऑफ गुड्स, जैसे मैंने रेलवे का एग्जांपल आपको दिया था, ठीक है. और स्पेशल असाइनमेंट माने स्पेशल कोई टैक्स या एनर्जी पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह लगाते हैं, वो सारी चीज़ें आएगी. फाइन पेनल्टी मैंने आपको बता दिया कि आपका चालान वालान कटता है. गिफ्ट ग्रांट्स का भी मैंने एग्जांपल दिया था, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है. ये आपको एक बिल दिया है कि कैसे GST लगता है, वो सारी चीज़ें आप एक बार देख लेना. पब्लिक डेट भी मैंने बताया आपको, इंटरनल डेट, एक्सटर्नल डेट. फिर इंटरनल डेट और उसका डिस्टिंक्शन आप एक बार पढ़ लेना, ये विद इन द इकोनॉमी और आउटसाइड द इकोनॉमी. वॉलेंट्री होता है, ये वॉलेंट्री नेचर खाली या कंपलसरी होता है. ये यूज़ ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यहाँ पे फॉरेन करेंसी यूज़ होती है. लेस कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि दो करेंसी इन्वॉल्व हो जाती है. फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, मीन्स बाय विच गवर्नमेंट क्या करती है, एडजस्ट करती है अपने स्पेंडिंग लेवल्स, टैक्स रेट एंड मॉनिटर इन्फ्लुएंस ऑफ नेशंस इकोनॉमी. इट डील्स विद द पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक डेट. इन शॉर्ट, इट इज द फाइनेंशियल पॉलिसी इंप्लीमेंट बाय द गवर्नमेंट. फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन माने उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना, ठीक है. तो हर साल क्या करती है, गवर्नमेंट एक बजट बनाती है, कि जैसे आप भी बनाते होंगे कि मेरी इतनी पॉकेट मनी आने वाली है, उसके हिसाब से मैं कितना खर्चा करूँ, कैसे करूँ, कहाँ पे करूँ. तो वही गवर्नमेंट भी क्या करती है, एक बजट बनाती है, उसे डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बुकेट. तो उसका मतलब क्या होता है, अ बैग और अ वॉलेट कंटेनिंग द फाइनेंशियल प्रपोजल्स, ठीक है. इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना प्रपोज है पूरे साल, आने वाले साल के लिए गवर्नमेंट कितना पैसा आने वाला है, कितना खर्चा होने वाला है, वो सारी चीज़ें. रेवेन्यू बजट माने क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी कि रेगुलर बेसिस के होते हैं. और कैपिटल बजट माने जो कैपिटल रिसीट्स होती है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो सारी चीज़ें आएगी. टाइप्स ऑफ बजट क्या होता है, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट. बैलेंस बजट माने जहाँ पे गवर्नमेंट के रेवेन्यू और गवर्नमेंट के रिसीट्स जो है और एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, रेवेन्यू बजट. सॉरी सॉरी सॉरी, उसे क्या कहा जाता है, बैलेंस बजट. और सरप्लस बजट माने क्या होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा हो जाते हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से, तो उसे क्या कहा जाता है, रेवेन्यू सरप्लस बजट. और जहाँ पे गवर्नमेंट के खर्चे जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, रिसीट जो होते हैं वो, यानी कि खर्चे ज़्यादा होते हैं रिसीट से, उसे कहते हैं डेफिसिट बजट, ठीक है. और इम्पोर्टेंस ऑफ बजट क्या है, वो आप एक बार पढ़ लेना, कि ये लाइफ ऑफ सिटीजन एंड ओवरऑल इकोनॉमी में हेल्प करता है. फिर लोगों का स्टैंडर्ड, लोगों को रिसोर्स कैसे एलोकेट करने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें हैं वो क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है. पूरा का पूरा पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया का हमने चैप्टर रिवाइज कर लिया है, ठीक है. तो नेक्स्ट रिविजन लेक्चर बहुत ही जल्द आ जाएगा. आप सारे रिविजन लेक्चर को एक बार, दो बार, तीन बार देखते रहो, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं आती है देखते रहो. आपके दोस्तों के भी शायद भी शेयर करो, जो ज़रूरत स्टूडेंट्स को ज़रूरत है उन तक शेयर करो ये वीडियो, ठीक है.
साइनिंग ऑफ जी का सुबह, बाय बाय, टेक केयर।